खूबसूरत लग रही है ये दाल। अच्छा, एंड ये पैकेट जो है वो 40 ग्राम का है। पैकेट में इन्होंने लिखा है, इन्होंने 3-4 किस्म के दाल इस्तेमाल किए हैं, उस हिसाब से बताया है, और ये भी लिखा है आपकी मर्ज़ी, आप एक दाल से बनाएं, दो दाल से बनाएं। हमने जैसे दो दाल का इस्तेमाल किया है, मसूर एंड मूंग। अच्छा जी, ये पैकेट 40 ग्राम का है जो कि मैं इसमें पूरा डालने वाला हूँ। अच्छा, पूरा जी, हाँ ठीक है। नेशनल फूड का तो हम सब वाकिफ हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं नेशनल फूड के प्रोडक्ट्स, इनके बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग इस पूरे महीने कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और इन्हीं के मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल फूड के जो नाम है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग फूड ब्रांड्स में से एक है, और कुछ नाम आप लोगों के भी शामिल करती चलूँ यहाँ पर। हमें सिदरा इकराम ने कराची से, शाजमा मरियम ने इस्लामाबाद से, मरियम नवीद ने रावलपिंडी से, हबीबा अजावरी कराची से, और कंवल शहजाद ने कराची से, जमाल ने कराची, नाजिया ने, और शाजमा फरीदा, शहनाज, और कौन है, सायरा ने। हाँ जी, सायरा का मैसेज आपके लिए भी है मुनव्वर साहब। क्या कहती हैं? An apple a day keeps the doctor away, Miss Saira, Karachi. You are looking very awesome and your cook is very smart. Thank you. अगर आप मुझे देखें। So nice of you, Saira. I know. आप लोग भी हमें SMS कर सकते हैं 8881 पर, मसाला LW जरूर लिखिएगा, स्पेस अपना नाम और जवाब भेज दीजिए। अगर जीतना चाहते हैं जोनास की तरफ से खूबसूरत सी सैंडल या फिर मसाला की फूड मैगजीन आप खरीदना अवॉइड करना चाहते हैं और विन करना चाहते हैं तो हमारे शो से लीजिए। अच्छा, इस मसाले पैकेट में तकरीबन हर चीज़ है, नमक भी ऐड है, मैंने अभी नमक चखा। अगर नमक आप समझते हैं आपको तेज़ चाहिए तो आप और बढ़ा लें, मगर जो नमक की मकदार इसमें है मैं समझता हूँ इट्स इनफ। ठीक है, और नमक ऑलवेज कैन बी एडेड, पकते वक्त कम डालें ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी ज़रा कोशिश करें कि नमक कम इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली आफ्टर 30s, जब हमारी एज 30s के ऊपर जाने लगती है तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अपने डाइट को हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे बॉडी में कहाँ क्या चीज़ कम हो रही है और कहाँ कोई चीज़ बढ़ रही है, उसी हिसाब से फिर हम अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एडवाइस लेके अपने डाइट को मेंटेन करें। अच्छा जी, ये मसाला इज़ रेडी। ठीक है, और इधर दाल को मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया था। अब मैं इस दाल को इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, आपने चूल्हा बंद किया हुआ है? जी हाँ, क्योंकि मसाला भून रहा है थोड़ा ज्यादा, अगर ज्यादा भून जाता है तो फिर भी मज़ा ख़राब हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा ये जो खांसी है ना, ये फंदा जिसे कहते हैं, ये भी फंस जाता है। कुछ फंदा कहते हैं हम लोग, उच्छू कहते हैं, उच्छू। अच्छा, जो लग जाते हैं फैमिली के बाद बाज़ दफ़ा फंस जाता है और इट टेक सम टाइम टू क्योर, खांसी लगी रहती है। एंड तो ये पानी के साथ थोड़ा सा ताकि ये जी पके, गाढ़ी हो गई थी दाल। अच्छा, ये हमने सही है, ये जब तक मिक्स कर रहे हैं इसका चूल्हा जलाकर हम हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। जी हाँ, इसे पकाएंगे और हम जो है इसका तड़का तैयार करेंगे। ठीक है, और हम तैयार हैं ब्रेक लेने के लिए। ठीक है, आप ब्रेक ले लीजिए। तो इस बार हम अर्ज करते हैं कि घंटी बजाकर हम चले तो जाते हैं, इंतजार का मजा चखिए, अभी आते हैं। 8881 पर हमें SMS कीजिए, जोनास की तरफ से सैंडल्स हैं और मसाला टीवी फूड मैगजीन है, एंड डैश अरे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्या है हम इंतजार कर रहे हैं। दाल मखनी, अज्जा, दाल एक कप, नमक, काली मिर्च, हसबे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, स्लाइस में कटी प्याज 2 दरमियानी, स्लाइस में कटे टमाटर 2 दरमियाने, ताज़ा क्रीम आधा कप, मार्जरीन 100 ग्राम, हरी मिर्च 3, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 3 खाने के चमचे, दाल मखनी नेशनल मसाला 1 पैकेट, तड़के के लिए तेल 2 खाने के चमचे, हाफ पंच ऑयल 3 टेबल स्पून, दाल मखनी नेशनल मसाला 1 पैकेट, फिर तड़का ऑयल 2 टेबल स्पून, होल रेड चिलीज 3, होल वाइट क्यूमिन सीड्स 1/2 टीस्पून।
अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं लाइव न्यू वीकेंड्स में। हमारा ये चल रहा है हेल्दी मंथ और उम्मीद है कि इस महीने से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। कोई अच्छी हेल्दी हैबिट अपनाएंगे, कोई अनहेल्दी हैबिट को डिस्कार्ड करेंगे और कुछ अपनी आदतें तब्दील करेंगे। आज जैसे कि सैटरडे संडे को मैं भी नाश्ता नहीं करती हूँ, आज मैंने किया आप लोगों के सामने, कल भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। एक और हेल्दी हैबिट ये है कि मेक सोशल कनेक्शंस। हम कभी नहीं सोच सकते कि सोशलाइज करना भी हेल्दी हो सकता है या नहीं। आप जब सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कई सारे व्यूज़ होते हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, एक्सचेंज होती है। इससे भी एक तरह से माइंड के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। और प्लस जब आप किसी से डिस्कस करते हैं, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो भी जिसे कहते हैं ना शेड, आपकी आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी टेंशन को शेड कर देते हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर जितनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन अपने अंदर रखेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। एक वक्त आएगा कि फिर वो डिप्रेशन और नींद नहीं आना और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं स्किन पर असर। तो वैसे भी कहते हैं कि अ प्रॉब्लम शेयर इज़ अ प्रॉब्लम हाफ, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो मेक सोशल कनेक्शंस, अपने आप को घर में मत बंद कीजिए। जी जनाब, सही फरमा रहे हैं आप। रियली बंद करने से आप घुट जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन योर लाइफ। सो प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट शेल, खुश रहें, घूमें फिरें, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। उस वक्त ये होता है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप माइंड आपको उस तरह से सोच रहे हैं, फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, वो दवाइयां और आपको फंसा देती हैं दलदल में जितनी। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ हम तड़का लगा रहे हैं, दाल मलका सॉरी मखनी इज रेडी, एंड तड़का हम तेल से लगा रहे हैं, जस्ट कपल ऑफ रेड चिली होल ज़ीरा। तड़के के लिए कोई हार्ड रूल नहीं है कि यही तड़का, बहुत से लोग थोड़ा सा प्याज भी डाल देते हैं, बहुत सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं, लहसुन का भी इस्तेमाल हो जाता है, ये मैं आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ता हूँ। अच्छा। तो ये हमारा कड़ी पत्ता वगैरह, हाँ कड़ी पत्ता भी आप जो साउथ इंडियन स्टाइल में आप अगर चले जाएं तो कड़ी पत्ता का इस्तेमाल है, रायदाने का इस्तेमाल है। नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाएं तो ज़ीरा और इस तरह लहसुन का भी तड़का लगता है। ठीक है। अच्छा ये दाल आपने थोड़ी थिक रखी हुई है, बहुत ज़्यादा? जी देखें थिक इसलिए है कि इस दाल को ज़्यादातर रोटी के साथ खाया जाता है, चपाती के साथ खाया जाता है, चावल के साथ खाएं तो खा सकते हैं, मगर चावल के साथ इसलिए नहीं क्योंकि ये थिक है। थिक दाल हमेशा आप रोटी चपाती के साथ इंजॉय करते हैं। ये तो हो गया, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं, एक से दो, थोड़ा सा रफली चॉप धनिया पत्ता, और फेसबुक पे भी आप लोगों की हम तस्वीरें देख रहे थे, कई सारे नए मेंबर्स भी आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है हमारा। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइवली वीकेंड्स का ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पे जाएंगे और लाइवली वीकेंड्स लिखेंगे, मैं मुनव्वर साहब की तस्वीर है, उसे जाइए लाइक कीजिए और इन्जॉय कीजिए तमाम रेसिपीज़। हमारा लाइवली पिक्चर कॉम्पिटिशन भी चलता है एवरी मंथ, और एवरी मंथ के एंड में लास्ट संडे जो होता है हम विनर का नाम अनाउंस करते हैं, जो इस कॉम्पिटिशन में जीतता है एक सरप्राइज गिफ्ट और एक सर्टिफिकेट, और मुनव्वर साहब जज करते हैं कि किसकी तस्वीरें, अपनी नहीं तस्वीरें, अपने खाने की तस्वीरें जो आप लोग भेजते हैं अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके। ये देखिए दाल इन्होंने बनाई, अब ये हो गया। अगर आप इसको, हम तो डाइट के हवाले से चल रहे हैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप तेल का तड़का लगाएं, और जस्ट ऑफकोर्स मखनी कहलाने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा माजरीन डाल दें, जब आप सर्व करें गरम गरम तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ये इस तरह छोड़ दिया, एंड तो ये गिव्स खूबसूरत एक अच्छा खुशबू भी आती है और वही मखनी का इसके अंदर टच आ जाता है। माजरीन हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हम डाइट और हेल्थ के हवाले से चल रहे हैं, मगर घी खाना भी नॉन हेल्दी नहीं है, खाना है हमें, घी का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, बटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज़ का करना चाहिए, मगर विद बैलेंस, बैलेंस। और वंस खुदा ना खास्ता आप फील करते हैं कि आपकी बॉडी में किसी किस्म की डिफिशेंसी हो गई है या बढ़ गई है, तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना है उस चीज़ को। तो ये हमारी दाल मखनी इज़ रेडी विद नेशनल मसाला। ठीक है जी, अब हम अपने फाइनल उसकी तरफ आ रहे हैं, प्लेटर की तरफ, शेफ प्लेटर की तरफ। ठीक है। इसके लिए हमने जो इस चीज़ें इस्तेमाल की हैं, गोश है, बीफ, चिकन एंड फिश। आप चाहें तो फिश ना इस्तेमाल करें,
आप दो चीज़ ले लें, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप बीफ नहीं खाने चाह रहे तो, मगर कहने का मतलब ये कि जो प्लेटर है इट्स अ कंप्लीट मील और इसके अंदर आपको हर चीज़ की जो ज़रूरत है वो आपकी बॉडी को मिल रही है। सही है, प्रोटीन सारे vitamins. लंच हेवी आप मतलब अच्छा खासा पोर्शन है ये, इट्स अ हेवी, मगर ये आपको वो मतलब वो हैवी की तरफ नहीं जा रहा है जो आप खा के यू विल फील लेजी या आपकी बॉडी के अंदर अननेसेसरी चीज़ों की एंट्री हो रही है, एक्स्ट्रा क्रिस्टॉल जा रहा है या यूरिया बढ़ रहा है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है इसके अंदर। सिंपल हमने और इनको हमने ग्रिल किया है, आप चाहें तो रोस्ट करके भी रख लें और कोल्ड इस्तेमाल होता है, हॉट नहीं होता, इस्तेमाल होता है, कोल्ड इस्तेमाल होता है। क्या क्या ले रहे हैं? ठीक है ना, इसमें बीफ है, चिकन है और फिश है, एग का इस्तेमाल है, फ्यू वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है जिसमें जो भी सीजनल फ्रूट है आप अबाउट 50 या 60 ग्राम फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा ले लें। आजकल स्ट्रॉबेरी है, हमने स्ट्रॉबेरी ले लिया, अपना वाटर स्वीट मेलन है, खरबूजा और चीज़ लिया है हमने, कॉटेज चीज़, आप चाहें तो चेडर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश मोर्ज़ीला इस्तेमाल करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और दही भी थोड़ा सा हमने लिया है। अच्छा सही, ठीक है, सही है। अच्छा खरबूजे को हम मेलन कहते हैं और कैंटलोप भी वो क्या चीज़ होती है? कोई खरबूजे के ही कोई किस्म है? इसके बहुत से एग्जाम्स हैं मगर एक ओवरऑल सबको हाँ अलग अलग हैं मगर हम ओवरऑली जो हम जैसे स्वीट मेलन कह देते हैं हमारे यहाँ तो हम तरबूज को तरबूज बोलते हैं, खरबूजा को खरबूज, जर्दा गर्मा सब चीज़ें अलग अलग हैं मगर इंग्लिश में अभी कह दिया गया स्वीट मेलन, जैसे अंकल को अंकल हमारे यहाँ चाचा आता या इस तरह, इनके यहाँ शॉर्टकट है। अच्छा अच्छा, मुनव्वर साहब ब्रेक का टाइम आ रहा है, हम ब्रेक लेते हैं फिर अपना ये प्लेटर स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही, जनाब इस ब्रेक में आप लोगों ने क्या करना है, 8881 पर हमें SMS करना है, जीतना चाहते हैं जोनास की तरफ से खूबसूरत सी सैंडल्स और जोनास की आउटलेट के बारे में भी मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताती हूँ। इसके अलावा मसाला टीवी फूड मैगजीन भी आपका हो सकता है, सिर्फ एक सवाल की दूरी पर है, एंड डैश अडे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हमें बताइए 8881 पर। शेफ सैलेड प्लेटर, अज्जा भुनी चिकन, भुना गाय का गोश्त, ग्रिल्ड फिश फिले और कॉटेज चीज 80-80 ग्राम, उबलांडा एक, फ्रेश रीड सैलेड 100 ग्राम, जैतून का तेल एक खाने का चम्मच, सीजनल फ्रेश फ्रूट 80 ग्राम, ब्राउन ब्रेड स्लैटर। इंग्रेडिएंट्स: रोस्टेड चिकन मीट 80 ग्राम, रोस्टेड बीफ मीट 80 ग्राम, ग्रिल्ड फिश फिले, कॉटेज चीज 80 ग्राम ईच, बॉइल्ड एग 1, फ्रेश ग्रीन सैलेड 100 ग्राम, ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग 1 टेबल स्पून, सीजनल फ्रेश फ्रूट 80 ग्राम, ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस 2, प्लेन योगर्ट 1/2 कप। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। कल लाइवली वीकेंड्स की 200 की हम स्पेशल एपिसोड मना रहे हैं, हमारे साथ साथ ही रहेगा, ढेर सारे इनामात हैं आप लोगों के लिए जिसमें जोनास की तरफ से बैग भी होंगे, शूज़ भी होंगे, मसाला टीवी फूड मैगजीन भी होगा, शेरटन की तरफ से डिनर कूपन्स होंगे और जो हमारे स्पेशल गिफ्ट हैं और जो हमारे गेस्ट हैं HSY हसन शहरयार यासीन यहाँ पर होंगे जो देंगे आपको अपनी नई लॉन प्रिंट्स के 2 जोड़े। ये तमाम गिफ्ट्स आपके हो सकेंगे लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कल का एपिसोड। आज हम कुछ हेल्दी रेसिपीज लेकर चले हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं अपने शेफ्स प्लेटर की तरफ और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपने करना है, अच्छी सी सजावट है लेकिन उतने ही इसके फ़वाद हैं जितना ही सिंपल ये देखने में लग रही है। अच्छा मुनव्वर साहब काट रहे हैं यहाँ पर खीरा शीरा।